नमस्कार, मैं सोनी। आप देख रहे हैं बोकारो की आवाज न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। अमृत भारत स्टेशन योजना अंतर्गत देश भर में रेलवे स्टेशनों को विकसित किए जा रहे हैं, जिनमें आधुनिक सुविधाएं होगी। भारत विविधता की महिमा प्रदर्शित करते हुए इन विकसित स्टेशनों में नई आधुनिक यात्री सुविधाएं और मौजूदा सुविधाओं का उन्नतीकरण और बदलाव होगा, जिसे देश भर में 1309 रेलवे स्टेशन विकसित किए जा रहे हैं, जिनमें 508 रेलवे स्टेशनों का 6 अगस्त 2023 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन शिलान्यास किया, जिसमें आगरा डिवीजन के बोकारो स्टील सिटी रेलवे स्टेशन तथा धनबाद डिवीजन के चंद्रपुरा रेलवे स्टेशन भी है, जहां उद्घाटन को लेकर झारखंड सरकार के मंत्री बेबी देवी, सांसद गिरिडीह चंद्र प्रकाश चौधरी, पूर्व विधायक योगेश्वर महतो बातुल और दक्षिण पूर्व रेलवे आगरा डिवीजन तथा धनबाद डिवीजन के अधिकारी गण मौजूद रहे। इसको लेकर बोकारो स्टील सिटी स्टेशन चंद्रपुरा रेलवे स्टेशन में पूरी तैयारी की गई थी। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 508 स्टेशनों के विकास के लिए 25,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है, जिसका पूर्ण विकास तथा आधुनिक किया जाएगा। इससे यहां आने वाले यात्रियों को सुविधा होगी, जिसमें सुरक्षा से लेकर रखरखाव, टिकटिंग और जानकारी प्रसारण प्रक्रिया से लेकर अन्य सभी चीजों को सुगम बनाने के लिए नवीनतम तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। देखिए, यह 35,500 करोड़ रुपए की योजना है। ऐसे तो देश में 508 स्टेशन का चयन हुआ है, लेकिन उसमें बोकारो यह पहले चरण में उसका पुनर्निर्माण के कार्य का शिलान्यास हुआ है। निश्चित रूप से बोकारो की जनता में अपार खुशी और खुशी का प्रदर्शन आज का कार्यक्रम है। यह रेलवे के को भी विश्वास नहीं था कि इतनी बड़ी तादाद में लोग आएंगे और ये इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, लेकिन यहाँ की उपस्थिति बतला रहा है कि इस पुनर्निर्माण से बोकारो स्टेशन पर जो सुविधाएं बढ़ाई जाएगी, उससे बोकारो के लोगों में काफ़ी खुशी है। निश्चित रूप से बोकारो की जनता की ओर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, माननीय रेल मंत्री जी को, रेलवे डिपार्टमेंट को हृदय से धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। सांसद महोदय, बोकारो में आप 10 वर्षों से हैं, लेकिन आज तक धनबाद से बोकारो जो रेल लाइन जो चल रही थी, जो सुविधाएं मिल रही थी यात्रियों को, वो बंद कर दिया गया, उसके लिए आपका किस तरह का पहल होगा? देखिए, कुछ परिस्थिति आता है। धनबाद की जो रेल लाइन है, ट्रेनें चल रही है, लेकिन बहुत कम, हाँ, जो कोरोना काल में बंद हुआ वह ट्रेन पूरे देश में फिर से अभी बहुत सी ट्रेन को चालू करना बाकी है और यह लगातार मांग। बीच में यह समस्या आई थी कि अग्नि प्रभावित की बात, तो उस समस्या से अगर वीडियो पसंद आई और आप झारखंड की राजनीति और झारखंड वासियों से सरोकार रखते हैं, तो सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। उसी जगह एक घंटी है, उस बटन को दबा देने से कुल सटीक और मारक खबर आपको मुफ्त में मिल जाएगा। अगर आप लोग पत्रकारिता के क्षेत्र में हमारे नए प्रयोग में हमारा सहयोग करना चाहते हैं, तो हमारा फोन पे नंबर 8235071962। धन्यवाद।